नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मोबाइल गुरु में। आज हम कर रहे हैं ओप्पो का मॉडल है ओप्पो A3s LCD लाइट सॉल्यूशन। ओप्पो A3 में LCD लाइट, जैसे कि बाकी जितने भी हमने जो LCD के लिए लाइट के लिए किया है, इसमें भी कॉमन है बट थोड़ा सा IC डिफरेंट है। तो LCD लाइट के लिए हमें जो पिन्स चाहिए होती हैं, फर्स्ट हमें हमारी जो फर्स्ट ऑरेंज कलर की पिन है, ये हमें चाहिए LED एनोड। फर्स्ट पिन है जो हमारी LED एनोड की हमें ज़रूरत है। सेकेंड पिन जो हमें हमारी पिंक कलर की है, ये है LED कैथोड 1 एंड कैथोड 2। दो पिन्स कैथोड की होती हैं, कुछ फ़ोन में तीन भी पिन होती हैं। और थर्ड पिन है हमारी LCD CABC कंटेंट अडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल। तो इन चार पिन्स की ज़रूरत है। तो अब LCD लाइट का सर्किट समझते हैं आगे कैसे काम करता है। पर उससे पहले, अगर आपको किसी और मॉडल की LCD लाइट का, डिस्प्ले का, टच का कोई भी आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम करते हैं इसका आगे सर्किट वर्क कैसे। अब ये है हमारी लाइट आईसी। अब लाइट आईसी के अंदर ये तो है इनपुट, जो VHP पावर जो हमारे आ रही है, ये VHP पावर बैटरी की जो पावर है 3.7 वोल्ट रेड कलर की लाइन, वो हमारी इस कॉइल से होते हुए, इस डायोड से होते हुए, इस कैप से होते हुए, कैप के बाद ये बन जाती है ऑरेंज कलर की लाइन, ये हमारी बन जाती है LED एनोड। ये LED एनोड क्या है? अब तो जो बैटरी का जो 3.7 वोल्ट है, उस वोल्टेजेस को ये कॉयल और डायोड और कैपेसिटर मिलके उस वोल्टेजेस को बूस्ट करते हैं। ये हमारा बूस्ट सर्किट है। बूस्ट होने के बाद जब हम LCD लगा के फ़ोन को ऑन करते हैं, तो हमें इस कैप पे 15 से 25 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये 15 से 25 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब हमारा बूस्ट सर्किट काम नहीं कर रहा है। अगर आप LCD पे सीधा डायरेक्ट चेक करेंगे तो आपको 3.7 वोल्ट मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये कॉयल और डायोड बिल्कुल सही है। कॉयल तब सही है जब कॉयल बूस्ट कर रही है। अगर ये वो कॉयल बूस्ट वोल्टेजेस नहीं क्रिएट कर रही है तो ये कॉयल ख़राब है, कॉयल को चेंज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी है LED कैथोड, दो पिन है हमारी कैथोड 1 एंड कैथोड 2। ये डायरेक्ट IC के अंदर जा रही है। आप बैटरी के डिस्प्ले के कनेक्टर पे सीधा ग्राउंड रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अगर ये पिन्स ब्रेक हैं तो IC में से डैमेज हैं। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ तक अगर आ रही हैं तो इसका मतलब IC से ओके है। इन दो कैप्स पे आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ कनेक्शन ओके हैं और डिस्प्ले कनेक्टर पे नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका डिस्प्ले कनेक्टर ही ख़राब है। तीस जो हमारी चौथी पिन है CABC LCD कंटेंट अडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल, ये भी इस कैप से होते हुए डायरेक्ट हमारे ये IC के अंदर जा रही है। तो अगर हमारे बूस्ट वोल्टेज क्रिएट होते हैं तो ओके, अगर हमारा बूस्ट वोल्टेज क्रिएट नहीं हो रहा है तो ये हमारे लाइट IC है। आप लाइट IC को चेंज करेंगे, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। अब कुछ केसेस के अंदर अगर आप के LCD लगाने के बाद भी, ये LCD लाइट IC लगाने के बाद भी अगर लाइट नहीं जलती है, तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा तरीका बता दूं कि इस IC को कंट्रोल करने के लिए I2C लाइंस CPU को जा रही है और इसको एनेबल सिग्नल भी CPU दे रहा है, जो कि ये लाइंस जा रही हैं। तो आप जब इस IC को उतारें तो इस IC के नीचे ग्राउंड रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए इसकी, कि बाकी की पिनें ब्रेक तो नहीं है। अगर यहाँ से ये CPU के अंदर जाने वाली लाइंस ब्रेक हैं तो आपके LCD लाइट के लिए CPU भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। पर ये प्रॉब्लम बहुत 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 रेयर आती है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैक्सिमम जो LCD लाइट की प्रॉब्लम है वो आपकी कॉइल और डायोड, मैक्सिमम कैप, और ये लास्ट ये लाइट IC चेंज करने पे सॉल्व हो जाती है। वाटर डैमेज फ़ोन में तो ज़्यादा से ज़्यादा जैक ख़राब होता है, जो डिस्प्ले जैक है वो जैक चेंज करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखने के बाद Realme A3s का LCD लाइट का पूरा सर्किट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी और मॉडल की किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।